कैसे मेरे प्यारे मस वाले भाई लोग, ये मेरे साथ खड़ी है कावासाकी निंजा 650 2024 मॉडल ईयर न्यू बाइक। वीडियो बना रहे हैं आज आप सबके लिए, आप इस बाइक को लोन ईएमआई पे कैसे ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो नॉलेज वाला बनेगा आप सबके लिए, तो फॉरवर्ड मत करना वरना कुछ ना कुछ चीज़ें मिस करेंगे। तो प्यारे भाइयों, वीडियो कर देना लाइक अगर अच्छा लगे एंड नॉलेज वाला, शेयर कर देना अपने दोस्तों अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर कर देना। और ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते, वीडियो शुरू करते हैं। बाइक को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, या आप कैश पे खरीद लीजिए या आप लोन पे खरीद सकते हैं। मगर खरीदने से पहले आपको क्या चाहिए, आपको बाइक की प्राइसिंग पता होनी चाहिए। तो इसकी जो एक शोरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर 7,16,000 की, ऑन रोड दिल्ली में इसकी प्राइसिंग है 8,13,000, 8,13,000 इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है। बाइक इज़ रेडली अवेलेबल फॉर डिलीवरी, अभी बाइक अवेलेबल है शोरूम में डिलीवरी के लिए, आप आके बाइक को ले सकते हैं। अगर जस्ट इन केस बाइक जो है अवेलेबल नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हैं 15 दिन का टाइम। रीज़न बीइंग 5-6 दिन तो ट्रक को पुणे से आने से लग जाते हैं फैक्ट्री से, और वहाँ पे कुछ दिन लगते हैं प्रोसेसिंग को, तो तकरीबन इतना टाइम लेके चलिए बाइक आपको मिल जाएगी। बाइक का बुकिंग अमाउंट इज़ 50,000 दे के आप बाइक को बुक करवा सकते हैं। बाइक के ऊपर अभी कोई डिस्काउंट ऑफर स्कीम नहीं चल रही है फ्रॉम द कंपनी। हाँ, बट टाइम टू टाइम स्कीम्स आती जाती हैं, आप गौरव कावासाकी को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे इसके बारे में। तो साथ ही साथ आपको बाइक की मेंटेनेंस के बारे में बता देता हूँ, बाइक के ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा कितना होता है। तो बाइक का जो मेंटेनेंस स्केड्यूल जिसको बोलते हो, सर्विस कितनी देर बाद करानी होती है, वो है 6,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ्स, 6,000 किलोमीटर और 6 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ऐसे चलता है। और जो उसकी सर्विस का खर्चा होता है वो तकरीबन 6,200 से 6,500 के बीच में नॉर्मल कावासाकी इंजन ऑयल के साथ होगा। और अगर आप कोई दूसरा वाला इंजन ऑयल डलवाते हो जैसे लिक्विड मोली मोटल वगैरह टाइप्स, तो खर्चा जो होगा तकरीबन 1,000 और बढ़ जाएगा, तकरीबन 7,500 तक का खर्चा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बाइक को आप दो तरीके से खरीद सकते हैं, या कैश पे या लोन पे, तो बात करते हैं सबसे पहले आप बाइक को कैश पे कैसे खरीद सकते हैं डाउन पेमेंट पे। तो शोरूम वाले जो हैं अप टू 2 लाख रुपीज़ कैश एक्सेप्ट करते हैं एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, और जो बाकी अमाउंट है वो बैंक ट्रांसफ़र लेते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र किस मोड में लेना है तो वो शोरूम वाले आपको बता देंगे, UPI लेना है, चेक लेना है, ड्राफ्ट लेना है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना है, वो आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको पूरी डिटेल बता देंगे। तो जब बाइक की पूरी पेमेंट हो जाएगी तो शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। तो अब बात करते हैं बाइक को आप लोन EMI पे कैसे खरीद सकते हैं। तो लोन EMI पे लेने के लिए तो सबसे पहले आपको अपने इनकम प्रूफ के कोई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। हाँ, वो ये क्या है, एक मैंने लिस्ट तैयार करी हुई है, वो मैं आगे आपको शेयर कर दूंगा कि आप अगर इंडिविजुअल सैलरीड हैं या आप बिजनेस होल्डर हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं फॉर दी लोन। एंड जब वो बैंक जो है आपका लोन के पूरे पेपर देखता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक टू अप्रूव और डिसअप्रूव द लोन। सर ये है कि सिबिल स्कोर चेक होता है, तो जो सिबिल स्कोर है वो 750 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, तो क्योंकि उसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस पर डिपेंड करता है सिबिल स्कोर के ऊपर। और आप ज़रूर पूछोगे कि हाँ सैलरी कितनी चाहिए, तो निंजा 650 के लिए आपकी सैलरी 6 लाख तक की अगर है तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है। एंड दूसरा यह है कि लोन अप्रूव करना और डिसअप्रूव करना प्योरली डिपेंड्स अपॉन द बैंक। अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है और स्टिल आप बाइक को लेना मांग रहे हैं तो तरीका है, उसको बोलते हैं को एप्लीकेंट और को हायरर। तो उसमें क्या होता है कि आपके इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स तो लगते ही लगते हैं, साथ ही में आपके फैमिली मेम्बर्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर, उनके भी डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे आपकी फाइल में, या आप स्टूडेंट हो तब भी फाइल में डॉक्यूमेंट्स उनके लगेंगे। एंड प्रोड्यूस होगी फाइल फॉर अप्रूवल टू द बैंक, बट स्टिल सारा चीज़ें जो है प्योरली जो है वो बैंक के ऊपर होता है कि टू अप्रूव एंड डिसअप्रूव दी लोन। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो आपका लोन अप्रूव होगा, नो, इट इज़ प्योरली एंड प्योरली बैंक डिसीजन। गौरव कावासाकी पे जो लोन है वो HDFC और IDFC बैंक से करवाया जाता है।
अगर आप क्या चाहते हैं कि आप शोरूम से लोन नहीं करवाना मांगते, आप अपने आप लोन करवाना मांगते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ लोन, वो भी करवा सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो बाइक की बुकिंग करवानी पड़ेगी, 50,000 देके आपको बाइक को बुक करवाना पड़ेगा। जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन करवा रहे हैं, जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, जो उसका डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको आके शोरूम में सबमिट करना पड़ेगा, और जो बैलेंस अमाउंट होगा, 50,000 आप पहले दे चुके हो जितने का आपका लोन अप्रूव हुआ है, और जो बैलेंस पेमेंट है वो क्लियर करनी पड़ेगी। जब शोरूम के पास आपकी पूरी पेमेंट आ जाएगी, उनके पास बाइक की पूरी पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो शोरूम वाले आपको बाइक की डिलीवरी दे देंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो हर बैंक का और हर स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि स्कीम्स बहुत आती जाती हैं, ठीक है। तो आगे मैं जो आपको EMI दिखाऊंगा एंड बताऊंगा, वो एक बेसिक इंटरेस्ट रेट के ऊपर होगी। तो कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि JD भाई जो आपने इंटरेस्ट के जो EMI बताई वो थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि स्कीम्स बहुत होती हैं, इंटरेस्ट रेट हर स्टेट में अलग होता है बैंकों का, एंड वो चेंज होते जाते हैं। तो आपको सिर्फ एक आइडिया देना मेरा काम है कि भाई इतना का आप लोन करवा रहे हो और इतना का आपका खर्चा हो सकता है। शोरूम वाले आपसे पहले ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि आप कितना डाउन पेमेंट करना मांगेंगे, उसके हिसाब से आपका जो है लोन EMI तैयार होती। बट सिंपल मैथमेटिक्स में बताता हूँ कि जितने का भी आपका लोन हो रहा है और बाकी पेमेंट जो डाउन पेमेंट में निकल जाती है। अगले शॉट में आप देख लेना, मैंने एक चार्ट तैयार करा हुआ है, जैसे मैंने पहले बोला, जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। आप अगर बाइक ले रहे हो इंडिविजुअल के नाम पे या आप ले रहे हो बिजनेस के नाम पे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लेना उसका पॉज करके, एंड आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसमें मैंने पूरा एक चार्ट तैयार किया हुआ है EMIs का, मतलब 2,00,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 7,00,000 तक की है मैंने वैसे बनाई हुई EMIs, और 5 साल तक की है टेन्योर बनाया हुआ। तो उसमें भी आपने क्या करना है, पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने का लोन करवाना मांग रहे हो और कितने का EMI बैठ रही है और आपका कितना खर्चा होगा। प्यारे भाइयों, ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ऊपर जो है दैट इज़ फॉर द इंडिविजुअल और नीचे बिजनेस वाला। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, लिस्ट पूरी रेडी है। तो एक काम कर लीजिए, इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये EMI का मैंने चार्ट तैयार किया हुआ है, ऊपर लोन अमाउंट है 2,500, 3,500, 3,50,000 से लेके 7,00,000 तक, और ये टेन्योर है 1, 2, 3, 4, 5 साल की पूरी बनाई है मैंने। तो काम क्या करना है, आपने पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने का लोन करवा रहे हो और आपकी EMI कितनी जाएगी। तो दोबारा बोल रहा हूँ, पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने का आप लोन करवाओगे और कितने की आपकी EMI जाएगी और कितने का आपका खर्चा होगा, तो आपको एस्टीमेट मिल जाएगा। तो प्यारे भाई, कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना कि JD भाई जो आपने लोन EMI बताई वो थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा है। यार, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि यार इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टेट वाइज जो है अलग अलग होता है, स्कीम्स आती जाती हैं हर बैंक्स की। तो मैंने तो जो आपको बताया है वो सिर्फ आइडिया दिया है कि आप कितने का लोन करवा रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट आपको कितनी EMI पे करनी पड़ेगी, कितना आपका खर्चा हो जाएगा, सिर्फ तो ये आइडिया दिया है। तो सो प्लीज डोंट कोट मी रॉन्ग एनीवे। तो यार भाई, छोटा सा वीडियो बनाया है आज आप सबके लिए ऑन कावासाकी निंजा 650 2024 मॉडल ईयर न्यू कलर स्कीम जो आई है, इस पे हमने वीडियो बनाया है। आप इसको लोन EMI पे कैसे खरीद सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, हर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है, EMIs तक आपको बता दी हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो ये, तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का, कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट कर देना, एंड जो भाई लोग बाइक लेना मांग रहे तो उनको जरूर शेयर करिए, ताकि उनको पता चल जाए। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लीजिए, नीचे लाल बटन दबा के घंटे वाले बटन पर नोटिफिकेशन के लिए, इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।